आज सुबह करीबन 8:30 हमारे इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ पे बिल्डिंग आ गई है। अब आप जैसे देख सकते हो ये बिल्डिंग पूरा जो है रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ ऊपर 3 स्टोरी मकान है, सब में लोग रहते हैं। यहाँ पे उसके बेसमेंट में या फिर ग्राउंड फ्लोर पे ये ड्रम्स में आग लगी बोलते हैं। इमीडिएटली पुलिस वाले यहाँ पे पहुंच गए और इमीडिएटली हमने फायर डिपार्टमेंट को, जीएचएमसी, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ले रहे हैं। इमीडिएटली सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, फायर इंजन भी इमीडिएटली आए, ये और आग को काबू पे पा लिया गया। अभी तक जो है जानकारी हमको मिली है उसके हिसाब से आप देख सकते हो एक बेसमेंट में करके ड्रम रखे हुए हैं, ड्रम अंदर भी पड़े हैं, वो रोड पे भी निकले हुए हैं। इन ड्रम में कुछ ना कुछ हाईली इनफ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ है जो कि आग पकड़ लेंगे। क्या हुआ है सर, जब आग लगी है तो आप देख रहे हो बिल्डिंग में दो हिस्से हैं, ठीक है, उसमें तो आग लगी तो उसमें धुआं निकला जी। जो मौतें हुई अभी तक, जिन कैजुअलिटी हुए 9 लोगों की कैजुअलिटी हुई अस्पताल में जो पहुंचने के बाद में, वो हुई है धुएं की वजह से, आग से जलने की वजह से नहीं हुए, क्योंकि ये धुआं निकला, धुआं ऊपर गया नेचुरली। ऊपर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने चाहने के बाद भी कोशिश करी तो कुछ लोग नीचे आना चाहे जो स्टेयर केस पकड़ के, लेकिन नहीं आ पाए। उसकी वजह से वो जो है उनका दम घुट गया, सफोकेशन की वजह से उनकी मौतें हुई हैं। तो अभी आग को पूरी तरह काबू पा लिया गया है और ये क्यों हुआ, किस कारण से एक रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स में रखा गया, फिर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी एक्शन लिए गए हैं कठोर इसमें एक्शन लिया जाएगा। इंजर्ड कितने लोग हैं सर, इंजर्ड कितने हैं, 9 मौतें हुई और दो तीन लोग इंजर हुए हॉस्पिटल में उनका इलाज। बिल्डिंग में कितने लोग थे, पूरे बिल्डिंग में आप देखो करीबन 400 की बिल्डिंग है, 5 भी लोग हैं, करीबन 60-70 लोग इस बिल्डिंग में रिहायशी लोग ये गलत है। साहब ने भी अभी बोला, मैं भी आपके थ्रू मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, ये पब्लिक आपकी जिम्मेवारी होती है, ये आप रेजिडेंसी ले रहे हैं, मैं ये सब क्यों अलाउ करते हैं। अभी मेरे को दो साहब मिले बाहर, बोलो साहब बहुत बड़ा आग लगा, मैं बोला तुम किधर रहते, बोला हम इसी गली में रहते हैं, मैं बोला तुम क्या कर रहे हो, तुमको मालूम है ड्रम है, ड्रम को रात को तो ला के रखता नहीं, इतना बड़ा कारोबार है, बिजनेस में रात को तो रखा नहीं, तुम क्यों नहीं बोले, पुलिस को बोला, फायर विंग को बोला, जीएचएमसी को बोला, किसी अधिकारी को बोला, तुम इनकम करके नहीं हो, अब आग लग गया तो बोलो साहब गलत कर दिया, ये आपके माध्यम से मशीन को ठीक करते लोगों को, ठीक है, ऐसी चीज़ों को आप एनकरेज मत करिए, आप डिपार्टमेंट से इसकी नॉलेज को लेकर आइए, डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी कार्रवाई की जाएगी।